यूपी के संभल जिले में दो सगी बहनों के शव पेड़ पर लटकते मिले, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। परिजनों ने बिना पुलिस को सूचना दिए ही दोनों बहनों के शवों को पेड़ से नीचे उतार लिया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बच्चों ने कैसे कहाँ खाई थी? के बजे खाई थी ये भी जानकारी नहीं है, मैंने तो 4:30 बजे के लगभग देखा। ये धूमना दीपुर गुन्नौर थाना क्षेत्र में है। यहाँ पे एक यादव परिवार है, उसकी दो बेटियों की यहाँ पे बॉडी मिली है, जिसमें परिवार बता रहा है कि ये किसी परिवार में मृत्यु हो गई थी भाभी की, उसमें वो बाहर गए हुए थे। बाहर से जब शाम को आए हैं तो वहाँ यहाँ पे जो पशु बंधे हुए थे वो उसी स्थिति में थे, उनको चारा वारा नहीं दिया गया था। जब चारा दिया गया नहीं दिया गया तो इसी बात पे माँ नाराज़ हो गई, जिसने अपनी बच्चियों को डांटा। ये रात में करीब 10 बजे की बात है। उसके बाद फिर ये बच्चियाँ नहीं मिली वहाँ पे, सुबह 4 बजे करीब जब वो उठी तो उसने देखा आसपास, तो बता रही है कि पेड़ के आसपास देखा, फिर उसकी बॉडी पेड़ पे पाई गई थी, पेड़ पे लटकी हुई, और उसको ला करके इन लोगों ने अपने घर में रखा और दोनों बॉडियों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम के बाद अब जो भी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।